हेलो गाइज, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी बस नहा के हम रेडी हो चुके हैं और आज यहाँ से ब्लॉग शुरू हो रहा है। मैं हूँ अपने ससुराल में और बस अभी हम खाना जा रहे हैं नाश्ता, और उसके बाद हम थोड़ा सा सबसे मिल के आएँगे और मैं कोशिश करूँगी अगर आपको सबसे मिलवा पाऊँ। मैंने आपको बोला क्योंकि सब लोग कम्फर्टेबल नहीं होते, हाँ, बट कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम घर पर हैं और यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। आज नाश्ते में बना आलू पूड़ी वगैरह, तो बस पूड़ियाँ बन रही हैं, तो बस गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही है, सब्जी बन रही है और अभी हम खाते हैं। और आज मैंने सब्जी बनाई है, मुझे लग रहा है कि चलो मैं अपने हाथ की आलू पूड़ी खाऊं। और बहुत दिनों बाद खाना बना रही हूँ, शायद मुझे जब से मैं US से निकली हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, और एक महीने में मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया चाय बनाने के अलावा, और करना भी नहीं चाहिए भाई, अपने घर आए हो, मैंने बनवाया तो काम ही करना है। तो चलिए अभी हमने सब्जी बनाई है, सब लोग खाते हैं, पूड़ियाँ आ रही हैं गर्मा गर्म, उसके बाद निकलेंगे घर से और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा अपना ससुराल। गर्म पूड़ियाँ एक मिनट भैया रुकना, गाइस मेरे पास एक रॉन्ग नंबर आ रहा है, बड़े दिन से आ रहा है, तो अभी मैं उनसे ही बात कर रही हूँ, कह रहे हैं अवधेश को बुला दीजिए, रुकिए। और भैया अवधेश से काम क्या था आपको? काम बदली, बात करनी है, बातचीत होनी थी, काफी नहीं थी, बहुत दिनों से लोगों से पैसे मांग रहे, कुछ लिया है क्या उधार उसने? परेशान सा दिख रहा है। हाँ मतलब परेशान परेशान है, कई लोगों के पैसे आए कि उसने पैसे नहीं दिए। काम तो कर रहा है भैया, पर पैसे पता नहीं किसी से पैसे ऐसे खा लिए उसने। भैया जब है ही नहीं वो तो आता बाद में चला, पहले जाता। मैंने उससे बहुत बार कोशिश करी है पूछने की, बता दो क्या हुआ अवधेश, कोई बात है? कैसे कोई बात हो तो मुझे बता दे। वही तो बताना तो चाहिए, भाइयों को नहीं बताएगा किसको बताएगा? चलो देखती हूँ, अगर आता है तो आप दोबारा पूछ लेना एक बार करके, बट बड़ा परेशान लग रहा है वो, कुछ गलत काम में तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है, आप मेरी जरा से एक मिनट बात करा दीजिए, ठीक है? आता है तो कराऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है जी। अवधेश जिसका भी मालूम भी नहीं कौन है, मेरे पे बहुत बार फोन आते हैं अफजल का है, अवधेश का है, तो इस बार मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने अवधेश के नाम पे, अवधेश बुरा मत मानना, पर यार फोन गलत नंबर पे क्यों करते हो, है ना? तो चलिए अगर दोबारा फोन आएगा तब मिलवाएंगे, बट सॉरी अवधेश। मैं और पिच्चू सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं थोड़ा सा रुद्रपुर भ्रमण करने, क्योंकि नैनीताल के बिल्कुल पास से मेरे ससुराल सबसे मिलेंगे, ठीक है? तो बुआ जी के साथ जा रहे हैं और शाम को बुआ जी मुझे किटी में भी लेके जा रही है, तो आज किटी पार्टी भी जाएंगे और ये लोग जाएंगे नेल्स कराने, आज हम तंबोला खेलेंगे, हाँ तो ये लोग अपने नेल्स कराएंगे और हम जाएंगे तंबोला खेलने। तो चलिए बाय। नहीं हाँ इधर आओ तू भी, बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है? आलू पूरी खाई थी? हाँ खाई थी, चल बाय। बहुत स्वाद बनाई, बोलना पड़ेगा तुझे। वाह आ जाओ, बुआ जी आ गई एकदम, बुआ जी चश्मा लगाओ, बुआ जी चश्मा, ये मई बुआ जी एकदम। चलिए गाड़ी आ चुकी है, भैया आ चुके हैं बाहर, निकलते हैं घर से। और मौसम की जानकारी दे, तो मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है बट इट्स गुड, आप देखिए, चलो आ जाओ गाइस। अभी हम आ चुके हैं घर और आपको मिलाते हैं दादी से, तो ये हम सबकी दादी हैं, मेरे हस्बैंड की दादी और हमारी भी दादी और दादी, एक बार सबको हेलो करो पंजाबी नाल, सत श्री अकाल सानू, सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। थानू कुछ कहना है इन्हू? विक्की वॉच कर दे पे, सब ठीक रहे, राजी रहे, राजी रहे, खुद खुश रहे, खुश रहे, आशीर्वाद दे दो तुसी सब नाल, राजी रहे, खेलो कूदो पढ़ो लिखो सभी नु, दादी दा बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ तू भी रख ले, दोनों हाथ करना, दोनों हाथ, आशीर्वाद, खुश रहो, राजी रहो, मौजदार अच्छा आदमी मिले, पूजा मिले, पर कार सोना बने बढ़िया। तो दादी का क्या अच्छी दादी के अच्छी आई, अच्छी आई नहीं नहीं ये तो ये नहीं मुंह कोल और मुंह कोल
जो बना दिया ठीक है। क्यूटी पाई, मैं इसकी ताई हूँ, है ना? कौन हूँ मैं आपकी? ताई जी बोलो, बोलो ये मेरी ताई जी है, है ना? ताई जी कैसी हैं, प्यारी हैं कि अच्छी? ये बहुत अच्छी, बोलो बहुत अच्छी। ये अच्छी बच्चे चॉकलेट में भी नहीं मारते। फ्रिज में रखी है, मेरी भी फ्रिज में रख दो, ठंडी हो जाएगी तो हम दोनों फ्रिज के खाएंगे ना, ठीक है? किसी गलत। ये देखो आंटी के घर के बाहर कितने सारे अमरूद आपको दिखाते हैं। ये देखो एक अमरूद ये रहा और एक अमरूद ये रहा। हाँ और बाकी तो नीचे गिर गए हैं पक्के। अंदर अंदर है, अंदर है। एक ले आओ, ये बाद में खाएंगे, पका हुआ है। एक दे दो छोटा सा। अरे वाह कितना फ्रेश है, कीड़ा तो नहीं है इसमें? चलो तो अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? बुआ जी के पास, अंबर होटल पर। इनको वहाँ छोड़ना था नेल्स की शॉप पे। तो गाइस बच्चे चले गए हैं अपना नेल आर्ट कराने, मैं आ चुकी हूँ आंटी के घर से और अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में, वहाँ पे किटी पार्टी जहाँ बुआ जी ने मुझे बुलाया। तो आ जाइए चलते हैं। इंडिया में मैंने कभी किटी पार्टी अटेंड नहीं करी थी, बट यहाँ पर बुआ जी की किटी पार्टी है और आंटी की किटी पार्टी है, तो हम जा रहे हैं। पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊँगी नहीं, बट आ जाइए। 4 and 5, 45. Yes, back to home, घर आ चुके हैं। चलो घर के अंदर हम आ गए हैं, घर थक के अब हम जा रहे हैं घर के अंदर। YouTube तू इधर आ, इधर आ। YouTube इधर आ। चालू कर दिया है। हाँ फोन में। ये हमारा देवर, लव ये मिले मेरे देवर से। अब लवी कुछ पूछो। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है अभी आपको इंडिया? आपको बहुत अच्छा लग रहा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत गर्मी हो रही है, इतना ट्रैफिक है। ये बहुत गर्मी है, बहुत ट्रैफिक है, इतना भी अच्छा नहीं लग रहा जितना सोचा था। जिंदगी तो आपकी इंडिया में बीती है ना? हम इंडिया में नहीं पसंद करता, ऐसा मत बोलो। इंडिया बहुत पसंद करती हूँ। सबको पता थे, सब हेलो करते हैं, पता है कि काफी। तो चलिए हम घर जाते हैं, मुझे इंडिया बहुत पसंद है, मेरे देवर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी मुझे लेके आया, शॉपिंग करी हमने, मजे किए, अब घर चलते हैं। तो गाइज हम घर आ चुके हैं, चेंज कर लिया है और अब हम जा रहे हैं एडिटिंग करने। एडिटिंग नहीं मतलब एडिटिंग कर ली, मेरे दो दिन के ब्लॉग थे जो मैंने अभी तक नहीं करे थे, वो बस एडिटिंग करें। ये देखो मेरी नेल्स हो चुके हैं। हाँ दिखाओ, कुच्चू ने फर्स्ट टाइम कराए, राइट? ये देखिए इन लोगों ने आज नेल्स कराए और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने ब्लॉग ऑलमोस्ट एडिट कर लिया और अभी बन रही है लौकी की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि पेट इतना ख़राब हो चुका है तो बन चुकी है लौकी की सब्ज़ी। आ जाओ कुछ और तो यहाँ बना रही है नेहा रोटियाँ। नेहा हमें हमें बनवाओ, और हमने बोल रहे थे हम बनाएंगे हम बनाएंगे, और नेहा कह रही हम बनाएंगे, पता नहीं रोटी बनाएंगे नहीं। अच्छा हाँ, इस वजह से नेहा अकेले कर लूँगी। क्यों हमारे साथ तो हम पे ट्रस्ट नहीं है? तूने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि भैया बोलते खाना नहीं आता, बट इतना बुरा भी नहीं है। नहीं तूने मेरा नाम खराब कर दिया है कि मैं खाना नहीं बना पाती। नहीं आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मैं बातें अच्छी बनाती हूँ तो बनाया सच में, सबको पता है कि मैं बातें अच्छी बनाती हूँ। खाना तो आलू बड़ी अच्छी लगी थी। ओह थैंक यू, इसको मैंने 500 रुपए दिए बोलने बस। मुझे तुम्हें कैसी लगी थी? मुझे तो परफेक्ट। चलो इन सबको मैंने 500-500, 1000-1000 दिए इस वजह से। चलिए अब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद क्या करेंगे? बुआ जी रोटी दे दो। घर का खाना आई स्वेयर सबसे अच्छा है, लौकी की सब्जी, ये दही और अचार। तो चलिए खाना खाते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट फूड। लोग कहते हैं ये वो, बट सब कुछ खाने के बाद आपको अपना घर का खाना, सिंपल खाना सबसे अच्छा लगता है, तो हम वही खाएंगे। अभी उपदेश का फिर से फ़ोन आ गया, मैंने ब्लॉग ख़त्म कर दिया था पर उपदेश का फ़ोन फिर से आ गया। चल रहे हेलो? हाँ भाई आप बोलो। किससे? उपदेश घर ही पे नहीं आया, पता नहीं कहाँ निकल गया। फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन का फ़ोन नहीं उठा रहा वो। नहीं उपदेश से आपने कुछ बोला क्या? बोला
पता नहीं कहाँ पे, वही कह रहे हैं का बोल दियो तुम, उपदेश बात ही नहीं कर, बात ही नहीं कर रहा। हाँ, पता नहीं हुआ क्या उसको, कोई टेंशन है क्या घर में? फिर क्या चिंता हो गई, क्या क्या खा रहा है उसको टेंशन, कुछ तो हो रहा दिमाग में। हाँ हम मऊ नहीं मालूम क्या हो गया। आप तो पास रहती हो ना? अब पास रहते हैं, पर पास होके आदमी कुछ ना बता तो क्या करें बताओ। हम तो बहुत कोशिश करे जानने की क्या हो गया क्या हो गया, उपदेश बता दे, उपदेश तो बात ही नहीं कर। कमला भी है, कमला दिखते नहीं, कमला भी भाग लिया। अभी तो कल तो इधर ही था, थोड़ी दूर ही रहता है कमरा छोड़ के। हमारा खुद कर नहीं बात। उपदेश का ब्याह करा दे, हमें लग रहा है ब्याह करे तो ठीक हो जाए। हाँ हम देखते हैं, लड़की कोई है, कोई मोड़ी है आपकी नजर में? हमारी नजर है तो ना, तो मैं करा दे मम। हाँ हम वो कराएंगे, हमें लग रहा है। तो आज ब्याह करके कौन खुश हो आज की तारीख में? रो रहे जिन्होंने मैं जानती, ब्याह करके भी खुश रो ही रहे लोग, ब्याह करके भी कोई खुश ना आजकल। ब्याह करके खर्चा उठाना भी कोई आसान नहीं ना, महंगाई, लड़कियों फोन चाहिए। तुम कोई लड़की बताओ। अरे कमला आती तो है। कमला से? अब मुझे लग रहा कमला से दे। कमला बीवी निकली, कमला बीवी है, मुझे लगा कमला कोई। हमें वो लग रहा है कमला से दिल उठ गया उसका तभी। कोई लड़की का चक्कर तो नहीं उपदेश का? कमला से दिल उठ गया, कमला ने झगड़ा किया क्या? अरे तो हमाऊ क्या मालूम होगा, तो हमाऊ हमारे घर में रह रहे क्या, हम पे क्या चिल्ला रहे? अरे हम चिल्ला रहे, वही तो। चलो अब हम रख रहे, हम देखते उपदेश आए तो फिर बात करेंगे उनसे, है ना? तुम बात कर लियो, कुछ कहना, कुछ संदेश है तो और? संदेश कोई ना, आप ही बताओ क्या संदेश है। हम क्या बताओ, हम बता। हाँ चलो बात करा दें कमला उपदेश से, ठीक है बाय। कमला से करा दी, उपदेश से करा दी, सबसे करा दियो ठीक। भाई देवा कराने तो है नहीं आकर। हाँ वो तो है ही, सही है। चलो ठीक है, शुभ रात्रि। देखो हमने कैसा पंगा लिया उपदेश और कमला, हमें मालूम भी नहीं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो अब इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, अगर कल भी इनका कॉल आया तो आपसे मिलवाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, आई होप यू एंजॉयड इट, बाय। इस नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नया दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं निकला क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी और साथ में नित्या को काफ़ी फीवर आ गया था। और अभी सुबह सुबह हम निकल चुके थे डॉक्टर के पास, आप देख सकते हैं, तो काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, रात भर काफ़ी फीवर था। तो हमने कहा चलो बेटर है डॉक्टर को एक बार चेक करा लें। तो आज बनी है भिंडी और रोटी और हम खाने जा रहे हैं नाश्ता, और नेहा ने बहुत अच्छा बनाया भिंडी, आई थिंक बुआ जी ने बनाई ना, तो हम खाएंगे भिंडी। और ये देखिए, ये सबसे अच्छी बात है कि वाइट बटर, आई थिंक कोमल को बहुत बहुत पसंद है घर का बना हुआ वाइट मक्खन। रोटी सब्जी, ये हम नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गया ना, और साथ में पियेंगे चाय, नित्तू गई है नहाने के लिए। तो चलिए करते हैं नाश्ता और मिलते हैं। अब हम देख रहे हैं मूवी, तो गाइस हमको सुबह से फीवर आया हुआ है, मैं नित्या, और आज का ब्लॉग आई थिंक और कंटिन्यू नहीं करूँगी, हमने मूवी देख ली और रेस्ट कर लिया, और हम दोनों बहुत बीमार हैं, हम दोनों को वायरल हो गया है। होपफुली कल तक थोड़ा बेटर फील करें, कि आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ऑलरेडी कितना बज गया, रात के
9:03 हो गए, बट अभी भी हमारी तबीयत पूरी ठीक नहीं है। हमने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, तो क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं कल हमारी तबीयत कैसी रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, होपफुली फील बेटर, मिलते हैं ऐसे। अब नहीं तो बहुत सारे मंके आएंगे। तो गाइस आज हमारी तबीयत थोड़ी सी बेटर है, आपने कल देखा कि हमारी तबीयत खराब थी और आज बेटर है। तो आज हम आ चुके हैं, एक रिजॉर्ट है बगल में जहाँ आज हम स्टे करेंगे और मेरे देवर हैं और बाकी सारे लोग हैं। हम ज्यादा लोग नहीं आए, सिर्फ बच्चे बच्चे आ चुके हैं थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। एक दिन स्टे करेंगे और यहाँ पे हम पी रहे हैं, आपको दिखाते हैं, छोटा सा ढाबा टाइप ही बोल लीजिए, जहाँ पे चाय बना रहे हैं, पानी वगैरह है, कोक है। और नित्या आज काफी बेटर है एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि कल वो बहुत बीमार थी। कुछ चाय पिएगी आज, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ने बहुत सेवा करी है मेरी, है कुछ, थैंक यू सच में। आज काफी बेटर लग रहा है, दो दिन तो मेरी ऐसी हालत खराब थी पागल है। हम ही पागल नहीं है, तू भी पागल है। ये देखिए बचपन में करते थे ऐसे, उसी को टैप करके रखो ना। थैंक यू, कुछ लेना, थैंक यू। तो गाइज हम रूम में आ चुके हैं और आप देखिए रूम कुछ इस तरीके से है। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने, मतलब लंच करने, हमने लंच नहीं किया था। और अभी भी अगर आप मेरी आवाज़ देखें तो आई एम नॉट परफेक्टली फाइन, बट हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है खुली हवा में आके। आप देख सकते हो बहुत ग्रीन है यहाँ पे, सो इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ रेस्टोरेंट है, तो कुछ खाएंगे अभी। वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी भी इतनी तबीयत खराब है मेरी और मैं यहाँ पे सोती ही रही हूँ। थैंक यू भैया, कुछ आ जाओ, थैंक यू भैया। तो गाइज हम बीमारी में आए और हम बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करा नहीं, बट हाँ इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, एक दिन रुके थे तो। और हम काफ़ी बीमार हैं अभी भी, थोड़ा सा घूमने ऐसे घूमा कुछ चेंज के लिए आ गए थे, तो सब